हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एनआईटी जालंधर के बारे में बात करेंगे। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे, सो लेट्स स्टार्ट। तो यार, एनआईटी जालंधर के बारे में बात करें तो इसको यार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर के नाम से भी जानते हैं, और सम टाइम्स इसको एनआईटी जे के नाम से भी जानते हैं। अगर इंस्टीट्यूट टाइप की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज है। अगर एस्टेब्लिशमेंट देखें तो 1987 में एस्टेब्लिश हुआ था। अराउंड 33 ईयर इसको हो चुके हैं। और लोकेशन की बात करें तो जलंधर पंजाब है। और कैंपस के बारे में बात करें यार, तो कैंपस काफी अच्छा है देखने में यार, आप देख सकते हैं। और कैंपस एरिया की बात करें तो इसका कैंपस एरिया थोड़ा सा कम है, जो कि अराउंड 54 एकड़ है, लेकिन मॉडरेट है यार, इतना कम भी नहीं है। तो यार अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो अडमपुर एयरपोर्ट जालंधर से इसकी डिस्टेंस 34 किलोमीटर है। इसके बाद अगर सिरगुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर से अगर देखें तो 85.5 किलोमीटर है। और अब अगर जालंधर सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन से देखें तो 15.5 किलोमीटर है। और अगर फाइनली जालंधर कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन से देखें तो 22.5 किलोमीटर है। अब अगर रैंकिंग की बात करें तो यार रैंकिंग में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आया है। अगर आप लास्ट ईयर 2020 में देखेंगे तो इसकी जो रैंक है वो 52 थी, और 2019 में देखेंगे तो इसकी इंजीनियरिंग कैटेगरी में जो NIRF रैंक थी वो 113 थी। तो आप देख सकते हैं काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। अब अगर प्लेसमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं तो यार अगर 2021 में बात करें तो अभी प्लेसमेंट्स कंटिन्यू चल रहा है। पहले फेज का हो चुका है, दूसरे फेज का भी प्लेसमेंट्स चल रहा है। तो अभी तक अगर देखें तो जो हाईएस्ट पैकेज गया है वो 43.5 लाख पर एनम गया है, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफर किया है, और ये 5 स्टूडेंट्स को 43.5 लाख पर एनम ऑफर किया है। अब अगर लास्ट ईयर 2020 की प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें तो यार एनआईटी जालंधर जो है कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए काफी अच्छा कॉलेज है। अगर आपका जो एम है सी कंप्यूटर साइंस ब्रांच है और अगर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है तो आप एनआईटी जालंधर चूज कर सकते हैं, आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में से एक रहेगा। तो अगर कंप्यूटर साइंस में देखें तो 91.09% स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं, और अगर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन देखें तो 90.8 स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं। अब अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में जो था वो 43.17 लाख पर एनएम गया है, और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की बात करें तो 43.30 लाख पर एनएम गया है, जो कि काफी अच्छा है। बाकी अगर रेस्ट ब्रांच देखें तो बहुत ज्यादा खास नहीं है आपको मिलेगा। और अगर एवरेज पैकेज की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में 13.57 लाख पर एनम है, जो कि यार काफी सही है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में बात करें तो 10.36 लाख पर एनम है। फीवीएस की बात करें तो जो भी SC ST या PHN की फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स हैं उनकी जो ट्यूशन फीस होती है वो 100% माफ हो जाती है। इसके बाद अगर जनरल एंड ओबीसी की बात करें तो जनरल एंड ओबीसी में जो भी स्टूडेंट्स की फैमिली इनकम अगर 1 लाख से नीचे है तो उनकी भी जो ट्यूशन फीस होती है वो 100% माफ हो जाती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपकी इंस्टीट्यूट फीस हॉस्टल फीस लगती है, ठीक है, सिर्फ आपकी ट्यूशन फीस माफ होती है, जो कि ट्यूशन फीस आपकी जो NITs है उसमें आपकी 62,500 रुपये पर सेमेस्टर होती है, तो आपकी पूरी माफ हो जाती है, ठीक है। और अगर जनरल एंड ओबीसी की बात करें जिनकी फैमिली इनकम 1 लाख एंड 5 लाख के बीचों बीच है तो उनकी जो ट्यूशन फीस होती है वो 2/3 माफ हो जाती है। तो यार अगर फीस स्ट्रक्चर देखें बीटेक के लिए तो जो आपका पहला सेमेस्टर होगा उसमें आपकी जो इंस्टीट्यूट फीस होगी वो उसकी जो फीस होगी वो 84,500 आपकी होगी। हॉस्टल फीस देखें तो 43,500 रुपये आपकी हॉस्टल फीस होगी। इसके बाद अगर आप अपने ब्रांच वाइज सीट मैट्रिक्स चेक करना चाहते हैं तो ये जो सबकी साइट है आप यहाँ जा करके अपनी सीट मैट्रिक्स चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर फीस स्ट्रक्चर को अगर डिटेल में चेक करना चाहते हैं तो ये जेई मेंस की साइट है, यहाँ आप जा करके फीस स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं। और ये NIT जालंधर की साइट है, यहाँ पर आप जा करके फीस स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं ये NIT जालंधर की साइट है। इसमें आप अगर फीस स्ट्रक्चर देखेंगे तो यार काफी आउटडेटेड फीस स्ट्रक्चर है। ये 2019 को अपडेट किया गया, लास्ट ईयर क्या या सेकेंड लास्ट ईयर पहले अपडेट किया गया, काफी पुराना यार ये है, अपडेट नहीं किया गया। इसके बाद अगर हम इसमें देखेंगे जेईई मेंस की साइट पे, तो
तो इसको अपडेट किया गया है और ये 2020-21 के स्टूडेंट्स के लिए है। ये फीस स्ट्रक्चर है, आप इसको डिटेल में भी देख सकते हैं। मैं इन दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर सीट मैट्रिक्स की जो बात कर रहा था मैं, तो ये जोसा की साइट है, आप देख लीजिएगा, आप सीट्स चेक कर सकते हैं। ये ब्रांच वाइज आप सीट्स देख सकते हैं, तो आप इसको भी देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो यार अगर रोल्स फॉर चेंज ब्रांच की बात करें, तो आप NIT जालंधर में एडमिशन लेने के बाद अपनी ब्रांच को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि आप अपनी ब्रांच को फर्स्ट ईयर के एंड में ही चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी कंडीशन होती है, तो जनरल एंड ओबीसी का जो CGPA है वो मिनिमम 7.5 होना चाहिए। इसके अलावा SC/ST का देखें तो मिनिमम CGPA 6.5 होना चाहिए, और बाकी कंडीशंस आप लोग देख सकते हैं। और कुछ तो चीजें यार होती है कि नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स पर डिपेंड करती है। मान लीजिए अगर आप CSE ब्रांच में आप अपनी ब्रांच को चेंज करना चाहते हैं, तो जो नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स हैं, अगर वो मान लीजिए 5 सीटें हैं और आप लोग मान लीजिए 6 या 7 स्टूडेंट्स CSE में जाना चाह रहे हैं, तो फिर आपकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होगी उसके बेस पे 5 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा, वो फिर चेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो जितना CGPA आपका ज्यादा होगा उतना मैक्सिमम चांस होगा आपकी ब्रांच चेंज करने का। अब अगर फैसिलिटीज के बारे में बात करें, तो लाइब्रेरी मिल जाएगी, कैफेटेरिया, हॉस्पिटल या मेडिकल फैसिलिटी मिल जाएगी, बैंक फैसिलिटी मिल जाएंगी जिनमें 2 बैंक हैं और 4 ATMs हैं कैंपस के अंदर, ऑडिटोरियम मिल जाएगा, गेस्ट हाउस। और अगर स्पोर्ट्स फैसिलिटी में देखें, तो ये कुछ आउटडोर गेम्स हैं जैसे एथलेटिक्स मिल जाएगी, 400 मीटर का ग्राउंड है, क्रिकेट मिल जाएगा, फुटबॉल मिल जाएगा, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, लॉन टेनिस हो जाएगा। अब अगर इंडोर गेम्स की बात करें, तो 4 बैडमिंटन मिल जाएंगे, 6 टेबल टेनिस मिल जाएंगे, कैरम जैसे सारे गेम्स आपको मिल जाएंगे। अब अगर स्कॉलरशिप्स की बात करें, तो यार ये NIT जालंधर की ऑफिशियल साइट है, यहाँ आप जा करके अपने अकॉर्डिंग स्कॉलरशिप चेक कर सकते हैं। इसको भी कहीं मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको, जैसे कि आप देख सकते हैं ये NIT जालंधर की साइट है, यहाँ आप स्कॉलरशिप चेक कर सकते हैं। ये सारी स्कॉलरशिप की लिस्ट है, आप लोग देख लीजिएगा, सारी सारी लिस्ट है, काफी ज्यादा स्कॉलरशिप है यार, आप देख लीजिएगा। हॉस्टल फैमिलीज के बारे में देखें, तो आपको 8 बॉयज हॉस्टल्स मिल जाएंगे, 3 गर्ल्स हॉस्टल्स मिल जाते हैं। इसके अलावा फैसिलिटीज के बारे में बात करें, तो रीडिंग रूम्स मिल जाएगा, इंडोर गेम्स मिल जाएंगे, वॉशिंग मशीन मिल जाएंगे, इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर अदर फैसिलिटीज के बारे में देखें, तो गीजर्स मिल जाएगा, वाटर प्यूरिफायर और एंड वाटर कूलर, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अगर यार हॉस्टल लाइफ के बारे में बात करें, तो यार काफी अमेजिंग होती है यार हॉस्टल लाइफ, आपको हॉस्टल जरूर लेना चाहिए। इसके बाद अगर फूड क्वालिटी की बात करें, तो खाना यार काफी अच्छा है यहाँ है। उसके बाद भी अगर आप देखें, तो मिस टू मिस डिपेंड करती है खाने की क्वालिटी। अब अगर फर्स्ट ईयर में बात करें, तो हॉस्टल नंबर 1 एंड हॉस्टल नंबर 2 आपको अलॉट होता है, तो ये आपके हॉस्टल का इनसाइड ओवरव्यू है, आप देख सकते हैं। ये आपका मेगा हॉस्टल है जो कि आपको 3rd ईयर एंड 4th ईयर में अलॉट होता है। अब अगर जनरल कट ऑफ की बात करें, तो ये जोसा की जो लास्ट राउंड होता है यानी कि 6th राउंड होता है, उसकी जनरल कैटेगरी में ये कट ऑफ है, तो आप देख सकते हैं। तो ये अदर स्टेट के लिए है, होम स्टेट के लिए यार अगर आपको चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं आपको PDF दे दूंगा। तो अगर कंप्यूटर साइंस में बात करें, तो 6,140 से लेके 8,053 तक गई थी इसकी कट ऑफ। अब अगर ओबीसी कैटेगरी में देखें, तो कंप्यूटर साइंस के लिए 2551 से लेके 3014 तक गई थी। ठीक है, अब अगर एससी कैटेगरी के लिए देखें, तो कंप्यूटर साइंस में 1197 से लेके 1766 तक गई है। इसके बाद एसटी के लिए देखें, तो एसटी के लिए 382 से लेके ये 1445 तक ये इलेक्ट्रिकल में गई है, और कंप्यूटर साइंस में देखें तो 435 से लेके 883 तक गई है। तो फाइनली अगर हम देखें, तो NIT जालंधर में अगर कंप्यूटर साइंस के लिए कट ऑफ देखें, तो 6140 से लेके 8053 तक जा रही है लास्ट राउंड में। ठीक है, वहीं अगर हम NIT फिल्चर से कंपेयर करें, तो NIT फिल्चर के भी जो अगर टॉप NIT में अगर रैंक देखें, तो 6 या 7 है और इसकी 10 10 है। ठीक है, तो
तो एनआईटी फिलचर की जो कट ऑफ जाती है वो यार 11,000 तक चली जाती है। तो आप देख सकते हैं एनआईटी फिलचर में भी प्लेसमेंट काफी अच्छा होता है। तो अगर आपकी जो रैंक है वो 8-10 हजार भी आ रही है तो एनआईटी फिलचर आप लोग मत छोड़िएगा, काफी अच्छा कॉलेज है वो भी।